नमस्कार, आप देख रहे हैं MSS न्यूज। मैं हूं आपके साथ बिस्टू राठौर। चलिए देखते हैं सबसे पहले सबकी खबर। बिजली के तार से गाय की मौत। विद्युत विभाग की एक बहुत बड़ी लापरवाही के चलते एक गाय की करंट लगने से मौत हो गई। एक ही मामला मथुरा यमुना पार लक्ष्मी नगर का है, जहां विद्युत विभाग की एक बहुत बड़ी लापरवाही के चलते एक गाय की करंट लगने से मौत हो गई। मामला थाना जमुनापार क्षेत्र का है। यहां विद्युत विभाग की लापरवाही से ट्रांसफार्मर के करंट लगने से बुधवार सुबह गाय की मौत हो गई। यहां के लोगों का आरोप है कि हमने विद्युत विभाग से ट्रांसफार्मर को चारों तरफ से घेरने के लिए शिकायत की है, पर विद्युत विभाग ने हमारी शिकायत पर किसी प्रकार से ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते आज एक गाय की मौत हो गई। इससे पहले भी यहां पर करंट लगने से दो गायों की मौत हो चुकी है। मथुरा वृंदावन नगर निगम में भी काफी शिकायतें की, उसके बावजूद भी किसी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया। गौरतलब है कि बता दें आपको, कब तक विद्युत विभाग की इस लापरवाही के चलते और कितनों की जाने जाएंगी, या फिर विद्युत विभाग किस बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। अब देखना होगा विद्युत विभाग इस पर क्या ठोस कदम उठाता है। क्या नाम है? मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा, जेई लक्ष्मी नगर। ये नोटिस काय बात का दिया है आपने? ये सर नोटिस इस बात का दिया है कि वहाँ के जो कंज्यूमर हैं, उन्होंने एक मकान बनाया है और उसका जितना मलबा निकला है और जो बारू बदरपुर सीमेंट उनका जो मटेरियल है, वो सब ट्रांसफार्मर की प्लंथ के बराबर में डाल दिया है। एक रैंप जैसा एक ढाल बना दिया है, तो उस पर जो है कोई भी आवारा पशु जाते रहते हैं और दुर्घटना होने की संभावना रहती है, इस बात का दिया है। और उनका नाम है श्री राम गोपाल सनव भूरी सिंह, लक्ष्मी नगर ईसा रोड के पास में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है, मैं इस वार्ड नंबर 13 लक्ष्मी नगर से पार्षद प्रतिनिधि हूँ। मेरी पत्नी नेहा वर्मा जो कि यहाँ की पार्षद हैं, और यह समस्या लगातार आ रही है। यह एक विद्युत विभाग का ट्रांसफार्मर रखा हुआ है जो कि यमुना ईसापुर रोड पे है, टायर रोड से असली ईसापुर रोड कटता है उस पर है। यहाँ लगातार जो गाय हैं या गौवंश है, बिजली करंट लगने का लगातार मैंने इसकी सूचना स्थानीय बिजली विभाग को भी दे दी है। उनका कहना है कि हम तुरंत बैरिकेडिंग करा देंगे। उसके साथ साथ यहाँ कमियाँ कुछ स्थानीय लोगों की हैं, अतिक्रमण कर रखा है। अतिक्रमण के साथ साथ यहाँ कमियाँ कुछ मैं सोचता हूँ स्वयं हमारी भी हैं, क्योंकि यमुना पार में एक गौशाला का निर्माण नगर निगम की तरफ से किया गया है, लेकिन आज तक वो सुचारू नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम सबकी इसमें कमियाँ मानते हैं। अगर सभी लोग अपनी जिम्मेदारी स्वयं निभा लें तो ऐसी घटना शायद भविष्य में ना हो। इसमें आप दोषी किसको ठहराएंगे? वैसे दोषी कोई नहीं, लेकिन सर्वप्रथम दृष्टि देखा जाए तो विद्युत विभाग प्रथम दृष्टि दोषी है, क्योंकि उनका जो ये ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, इसकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है, इसकी कोई सुरक्षा भी नहीं है। ये तो गौ माता है, इसके साथ में कोई मानव भी हो सकता है, कोई अन्य जानवर भी हो सकता है, किसी भी साथ में ऐसा घटना।